हेलो फ्रेंड्स, एवरीथिंग अनबॉक्स जंक्शन में आप सभी लोगों का स्वागत है। अगर आप कैडबरी की प्रोडक्ट्स को पसंद करते हैं तो आज हम वैरायटी ऑफ कैडबरी प्रोडक्ट्स आप सभी लोगों के लिए लेकर आए हैं, जिसमें से पहला है कैडबरी शॉर्ट्स, दूसरा है कैडबरी क्रिस्पेलो, तीसरा है कैडबरी डेयरी मिल्क बटरस्कॉच क्रंच जो की एक लिमिटेड एडिशन है, चौथी है कैडबरी डेयरी मिल्क हिंटो मिंट और पांचवी है नॉर्मल कैडबरी डेयरी मिल्क चॉकलेट। तो चलिए एक एक करके सारे पैक को आपको दिखा देते हैं। ये देखिए, ये कैडबरी डेयरी मिल्क हिंटो मिंट है और ये कुछ इस प्रकार की आती है। चलिए पीछे की तरफ देख लेते हैं। पीछे इसकी एमआरपी दी गई है जो कि 45 रुपीस है और इसका नेट वेट यहाँ पे दिया गया है जो कि 36 ग्राम है। चलिए पहले इसे ओपन कर लेते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये कुछ इस प्रकार की आती है और ये फ्रोजन होने के बाद ऐसी व्हाइट दिखती है। चलिए इसे ब्रेक करके देख लेते हैं। ये देखिए, ब्रेक करने के बाद ये कुछ ऐसी दिखती है। चलिए पहले इसे साइड में रख देते हैं, बाद में सभी को टेस्ट करेंगे। अभी दूसरी कैडबरी डेयरी मिल्क को देख लेते हैं। ये देखिए, दूसरी चॉकलेट कैडबरी डेयरी मिल्क बटरस्कॉच क्रंच है। ये एक लिमिटेड एडिशन चॉकलेट है। चलिए पीछे की तरफ देख लेते हैं। पीछे की तरफ यहाँ पे इसकी एमआरपी दी गई है जो की अगेन 45 रुपीस है और इसका नेट वेट 36 ग्राम है। चलिए पहले इसे ओपन कर लेते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये कुछ इस प्रकार की आती है। इसमें यहाँ पे कैडबरी की ब्रांडिंग दी गई है और अगेन सेम इसमें ऐसे 8 स्क्वायर मिलेंगे आपको। चलिए इसे ब्रेक कर लेते हैं। ब्रेक करने के बाद ये सेम ही दिखती है, हालांकि टेस्ट वाइज अलग है। टेस्ट हम आपको बाद में दिखाएंगे, पहले सारे प्रोडक्ट को ओपन कर लेते हैं। अभी देखते हैं कैडबरी डेयरी मिल्क क्रिस्पेलो को। ये देखिए, ये कुछ इस प्रकार के पैक में आती है और ये 10 रुपीस वाली चॉकलेट है और पीछे की तरफ यहाँ पे इसका नेट वेट दिया गया है जो कि 13 ग्राम है, आप देख सकते हैं। चलिए अभी इसे ओपन कर लेते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये कुछ ऐसी आती है। इसमें दो ऐसे बार दिए गए हैं और पीछे की तरफ से कुछ ऐसी आती है, आप देख सकते हैं। चलिए इसे ब्रेक करके भी देख लेते हैं। ये देखिए, ब्रेक करने के बाद ये कुछ ऐसी दिखती है। चलिए इसे पहले साइड में रख देते हैं और दूसरी प्रोडक्ट्स को देख लेते हैं। अभी देख लेते हैं कैडबरी शॉर्ट्स को। ये देखिए, ये कुछ इस प्रकार के पैक में आती है और इसमें ऐसे कैडबरी के राउंड बॉल्स आते हैं और ये 10 रुपीस वाला पैक है और अगर आप यहाँ पे देख पा रहे हैं तो इसका नेट वेट 18 ग्राम है। चलिए अभी इसे ओपन कर लेते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, कैडबरी शॉर्ट्स के कुछ ऐसे बॉल्स आते हैं, आप देख सकते हैं। अभी सबसे आखिरी में कैडबरी डेयरी मिल्क की जो नॉर्मल चॉकलेट आती है उसे देख लेते हैं। ये देखिए, ये कुछ इस प्रकार का पैक आता है और इसकी एमआरपी यहाँ पे दी गई है। ये 10 रुपीस वाला पैक है, इसका नेट वेट यहाँ पे दिया गया है जो कि 13.2 ग्राम है। चलिए अभी इस पैक को भी ओपन कर लेते हैं। ये देखिए, इसमें भी 8 पीसेस ऑफ कैडबरीज आती है लेकिन ये छोटे पीसेस है और इसकी थिकनेस कुछ इतनी आती है, आप देख सकते हैं। ये देखिए, चलिए फ्रेंड्स, अभी हमने इस सारी चॉकलेट्स को अनपैक कर लिया है। अभी स्टेप बाय स्टेप कैडबरी की सारी चॉकलेट्स को टेस्ट करते हैं और आपको बताते हैं कि इसमें से किसका टेस्ट अच्छा है। तो पहले हम ट्राई करेंगे कैडबरी डेयरी मिल्क हिंटो मिंट, जो कि हमने पहले ही यहाँ पे नीचे रखी हुई है। ये देखिए, ये वाली। तो कैडबरी डेयरी मिल्क के हिंटो मिंट का टेस्ट काफी अच्छा है, जैसे कि इसका नाम है, इसमें आपको मिंट का टेस्ट आएगा चॉकलेट के साथ। अभी ट्राई करते हैं ये लिमिटेड एडिशन वाली कैडबरी डेयरी मिल्क बटर स्कॉच क्रंच जो कि यहाँ पे हमने रखी है। तो चलिए इसमें से एक को निकालते हैं और ट्राई करते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसे कि इसका नाम है बटर स्कॉच क्रंच, तो इसमें आपको बटर स्कॉच का एक टेस्ट आएगा चॉकलेट के साथ। लेकिन अगर इन दोनों की कंपेरिजन करें तो मुझे ये कुछ यूनिक लगी और इसका टेस्ट थोड़ा मिंट का है, तो आपको थोड़ा कूल टेस्ट भी आएगा इसमें। अभी फ्रेंड्स ट्राई करते हैं कैडबरी डेयरी मिल्क क्रिस्पेलो जो कि यहाँ पे हमने रखी है, ये वाली। चलिए इसे ट्राई करते हैं। तो फ्रेंड्स, क्रिस्पेलो का टेस्ट काफी अच्छा है। जैसे ही आप इसे खाते हैं तो इसमें चॉकलेट के साथ वेफर जैसा एक क्रंची टेस्ट आता है जो कि मुझे पर्सनली काफी पसंद आया। अभी टेस्ट कर लेते हैं कैडबरी शॉर्ट्स जो कि ये वाली है।
तो कैडबरी शॉर्ट्स में चॉकलेट का कड़वा टेस्ट इतना ज्यादा नहीं है, इन सभी के मुकाबले मुझे इसमें कम चॉकलेट लगती है, इसका मीठा टेस्ट ज्यादा है। अभी ट्राई करते हैं ये नॉर्मल वाली डेयरी मिल्क जो कि यहाँ पे हमने रखी है। तो नॉर्मल वाली डेयरी मिल्क में सिर्फ मिल्क चॉकलेट का स्वाद आता है, बाकी कुछ इसमें डाला नहीं गया है। तो अभी फ्रेंड्स आते हैं फाइनल रिव्यू पे कि इन सारी कैडबरी डेयरी मिल्क और इस कैडबरी शॉर्ट्स में से कौन सी चॉकलेट आपको परचेस करनी चाहिए और टेस्ट वाइज कौन सी अच्छी है। तो टेस्ट में अगर आप गिने तो सबसे ज्यादा मुझे टेस्ट पसंद आया कैडबरी डेयरी मिल्क क्रिस्पेलो का, जिसका एक यूनिक टेस्ट है और ये बच्चों को और बड़ों को काफी पसंद आएगी। दूसरा टेस्ट मुझे पसंद आया कैडबरी डेयरी मिल्क हिंटो मिंट का, जिसमें मिंट के एक बेहतरीन स्वाद के कारण आपको चॉकलेट के साथ थोड़ी कूलनेस फील होती है। तीसरा अच्छा टेस्ट मुझे इस लिमिटेड एडिशन कैडबरी डेयरी मिल्क बटरस्कॉच क्रंच का लगा। हालांकि इन तीनों की कंपैरिजन की जाए तो मैं इन दोनों को आपको रिकमेंड करूंगा, ये पर्सनली मुझे टेस्ट वाइज इतनी अच्छी नहीं लगी। और बाकी के ये दो जो प्रोडक्ट है, अगर आप नॉर्मली डेयरी मिल्क चॉकलेट लेना चाहते हैं तो इसे कंसिडर कर सकते हैं, इसमें आपको मिल्क चॉकलेट का ही स्वाद आएगा, बाकी कोई चीजें इसमें डाली नहीं गई है। और ये चॉकलेट बॉल्स है जो कि एक अलग ही प्रोडक्ट है और इसमें चॉकलेट का पार्ट थोड़ा कम है, तो आपको स्वीट टेस्ट ज्यादा आएगा, चॉकलेट का टेस्ट थोड़ा कम आएगा। तो मेरे हिसाब से टेस्ट वाइज कैडबरी की ये सारी प्रोडक्ट आप सभी लोगों को पसंद आएगी। तो मेरी रिकमेंडेशन के हिसाब से मैं इसे टेस्ट वाइज नंबर दूं तो ये 1 आएगा, इसे 2, इसे 3, इसे 4 और इसे 5 देंगे। तो इस हिसाब से आप इसे परचेस कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स कैडबरी की ओर से आने वाली इन अलग अलग चॉकलेट्स का रिव्यू वीडियो अगर आप सभी लोगों को पसंद आया है तो आप इसे एक लाइक जरूर कीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए, ताकि ऐसी नई और अलग अलग प्रोडक्ट के बारे में सभी लोग जान पाएं। और अगर आप ऐसे ही अलग अलग प्रोडक्ट के रिव्यू वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में ऐसी ही किसी एक्साइटिंग प्रोडक्ट के साथ। तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड।